आगे बात करें, विच ग्रुप कंटेन ओनली आइटम दैट अपीयर इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी। अगेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। क्या चीज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आएगी? यार चेंज इन इक्विटी एप्रोप्रिएशन में से वो चीज़ें आती हैं जो ओनर से रिलेटेड है, जो शेयर होल्डर से रिलेटेड है। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड बिल्कुल आएगा, डेबेंचर का इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि इंटरेस्ट किसका पार्ट है? एक्सपेंस का पार्ट है। डायरेक्टर की सैलरी भी नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्टर भी ओनर नहीं होते, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ आती हैं? इनकम स्टेटमेंट। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड आएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो आएगा, डायरेक्टर सैलरी नहीं आएगी। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड आएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी आएगा, और इसमें भी डेबेंचर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो सी आंसर हो गया 12 का। क्वेश्चन नंबर, बस ये इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपको टॉपिक समझ